जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो ये हो रहा था दोपहर का समय और मैंने खाना खाया, बर्तन साफ़ किए और ट्यूशन के बच्चे आने में भी थोड़ा टाइम था, तो मैंने सोचा चलो बच्चों के लिए कुछ बना लेते हैं। वो क्या होता है, स्कूल में जब बच्चों को पढ़ाते हैं या उनको कुछ भी चीज़ें सिखाते हैं ना, तो बच्चों को रहता है ना कि उनको कलरफुल चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। तो बस मैंने सोचा कि चलो बना ही लेते हैं बच्चों के लिए कुछ नया, ताकि बच्चे जो हैं वो खुश होकर के खेलें और देखें उन चीज़ों को कि मैम क्या बना के लाई है। तो फाइनली जो है ये हमारा बन के रेडी हो गया है। और देखिए मैंने जो है बॉडी पार्ट्स बनाए हैं बच्चों के लिए, ताकि बच्चों को बच्चे पहचान सके कि ये टीथ है, ये हैंड है। और जो है मैं फिर उसके बाद ट्यूशन पढ़ाया और शाम को मैं आ गई थी सब्जी लेने के लिए। तो देखिए अभी हम जा रहे हैं और अभी जो है ना, मतलब बारिश के मौसम में ना धान की जो है खेती की जाती है। तो बस यहाँ पे जो है अच्छा खासा बारिश हुई थी, तो देखिए यहाँ पे जब धान की खेती की जाती है ना, तो मतलब अच्छे से पूरा पानी में उन पौधों को रोपा जाता है। तो बस यहाँ पे जो है हम थोड़ा सा सफ़र करने के बाद आ गए थे सब्जी लेने के लिए। और जो है आज तो 1 किलो टमाटर ले लिए थे हमने, क्योंकि टमाटर थोड़े से सस्ते हो गए थे। तो बस यही है, सब्जी ले ली हमने और सब्जी लेने के बाद आ गए थे हम दोस्तों घर। और मेरी थोड़ी तबीयत डाउन चल रही है अभी, तो बस वहीं मेरी दवाइयाँ ख़त्म हो गई थी, तो यहाँ हॉस्पिटल आई और डॉक्टर से दवाइयाँ लिखवाई। तो हस्बैंड जो हैं वो दवाइयाँ लेकर के आ गए थे। और देखिए बाहर जो बारिश हुई थी ना, तो उससे काफ़ी मतलब गीला हो गया था, अच्छा मौसम हो गया था। तो और दोस्तों वो चंद्रयान 3 वाला जो वीडियो है मैं डाल नहीं पाई थी, तो हमारे यहाँ टाउनशिप में भी दिखाया गया था लाइव। तो देखिए यहाँ पे जो है दिखाया जा रहा है और एक इतनी अच्छी मतलब फीलिंग आती है ना दोस्तों उस टाइम, जब हमारा जो हमारे भारत देश में कुछ ऐसी मतलब कामयाबी जब उसको मिलती है भारत देश को, तो हम भारतीय होने के नाते हमारा मतलब जो एक बोलते हैं ना, बहुत प्राउड फील होता है हमको। और हमारे यहाँ टाउनशिप में सभी लोगों ने देखिए झंडा दिखा करके बच्चों ने अपनी खुशी को जाहिर किया, और हमने वहाँ पे मतलब अच्छा लगा, क्या बताएं इसको, मतलब शब्दों में हम बयान नहीं कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे हम ये हमने देखा था यहाँ पे, फिर उसके बाद हमने किया नाश्ता। और देखिए आपको इनके जो वहाँ पे काम करने वाले लोग थे जिनका इस मतलब चंद्रयान में योगदान रहा है, तो उनकी तो खुशी जो है वो मतलब हम महसूस ही नहीं कर सकते दोस्तों, कितने मतलब खिलखिला करके वो हंस रहे हैं। तो बस ये हम आ गए थे घर पे वहाँ पे देख करके। और ये है मॉर्निंग का वीडियो दोस्तों। और बारिश होने के बाद जो नज़ारा होता है ना, वो तो बहुत ही खूबसूरत लगता है ना। और जो पेड़ पौधे हैं ना, वो बहुत मतलब ऐसे खिल जाते हैं, उनके ऊपर जो पीलापन होता है वो बिल्कुल हट जाता है, और हरी मतलब हरी हरी जो हरियाली सी दिखाई देती है। तो बस वो ही है मतलब बारिश के बाद का नज़ारा, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे जो है मैं फूल लेने के लिए आ गई थी, और उसके बाद दोस्तों चलेंगे घर पे, थोड़ी बहुत करेंगे सफाई। तो यहाँ घर पे आ गई दोस्तों मैं, और उसके बाद जो है मैंने किया यहाँ पे थोड़ा बेड का सिराना होता है उसको थोड़ा सा मैंने साफ़ किया, क्योंकि यहाँ पे अभी है ना थोड़े दिन पहले ना चींटियाँ आ गई थी बहुत सारी, पता नहीं कैसे आ गई, तो फिर उसी वजह से मुझे इसको अभी दोबारा से साफ़ करना पड़ रहा है। अभी मैं 2-3 दिन पहले ही साफ़ किया था। तो यहाँ बेड की थोड़ी सी सफाई करने के बाद अब जो है मैं झाड़ू निकाल दे रही हूँ। और बेड के नीचे भी है ना दोस्तों, कई बार एसी से पानी वानी निकलता है ना, तो वो नीचे आ गया, पता नहीं कैसे क्या होता है वो, ज़्यादा मतलब ठंडा बारिश वाला मौसम होता है ना, तो एसी से पानी थोड़ा निकलता ही है। तो अभी जो है मेरी झाड़ू वगैरह निकल रही है, और झाड़ू के बाद देखते हैं फिर और क्या काम होगा। और आज मतलब थोड़ा फ्री भी हैं, बहुत सारे वो हो जाता है जिस दिन छुट्टी होती है ना, उस दिन तो ऐसे मतलब बहुत अच्छा वाला फील होता है। तो यहाँ पे नहा धो करके आ गई थी मैं, और अभी जो है थोड़ा मेकअप शेकअप कर लेते हैं। और उसके बाद जो है मेकअप करने के बाद मैंने अपनी पूजा वाली चुन्नी उठाई, और अब चलते हैं पूजा करने के लिए। तो अभी यहाँ पर आ गई हूँ दोस्तों मैं पूजा करने के लिए, और देखते हैं ना खाने में क्या बनाएंगे, और किचन में जलने के बाद ही पता चलेगा।
तो यहाँ मेरी पूजा हुई और पूजा होने के बाद मैं अपने लिए नाश्ते में लेकर के आ गई थी सेब और थोड़े से बादाम और दूध। तो यहाँ पे हेल्दी वाला नाश्ता करने के बाद देखते हैं क्या हम आगे खाने वाने में क्या बनाने वाले हैं। तो दोस्तों ऐसा होता है ना मेरे साथ कि सैटरडे और संडे ही होता है जिस टाइम मैं शायद अच्छे से खाना वाना या फिर नाश्ता कर पाती हूँ, वरना तो रोज़ाना मेरे साथ इतनी जल्दबाजी रहती है ना कि खुद की हेल्थ पे तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाती हूँ। लेकिन अभी सोचा है कि खुद की हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान दूँगी मैं। मेरा नाश्ता हो गया है और अब हम जाएंगे रसोई में खाना बनाएंगे। पहले फ्रिज में देखेंगे कि क्या रखा है, उसके अकॉर्डिंग हम बनाएंगे खाना। और हस्बैंड जो है वो ड्यूटी के लिए गए हैं तो वो आएंगे 2:30 बजे, तो इतने तक हमारा खाना बन जाएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किचन में। तो किचन में आने के बाद दोस्तों पहले मैं हमेशा आटा ही लगाती हूँ, क्योंकि आटा लगा देते हैं ना तो वो उसको सेट होने में थोड़ा टाइम लगता है, इतनी सब्जी बन जाती है। तो देखिए यहाँ पे कल रात को मैंने थोड़ी दाल बनाई थी तो वो बच गई थी, तो बस मैंने आटे के अंदर इसको गूँथ रही हूँ मैं, क्योंकि देखो दाल ख़राब नहीं होती है, फ्रिज में रखी थी इसलिए मैंने इसको अच्छे से गूँथ ली आटे में कि इसके थोड़े से मैं रोटी वगैरह बना दूँगी, ऑयल लगा के पराठे के जैसा टेस्ट आएगा इससे। तो ये मतलब आटा मेरा गूंथ गया है और ये थोड़ी सी फली रखी हुई थी और थोड़ी सी भिंडी भी है, तो सोच रही हूँ कि दोनों को ही बना ही लेती हूँ। तो बस यहाँ पे जो है मैं अभी फली को काट लेती हूँ। तो देखिए ये सब फली जो है मेरी कट गई है और ये थोड़ा सा जो कचरा है वो मैं इसको प्लेट में डाल ले रही हूँ। और दोस्तों मैं इसको पेड़ पौधे में डाल देती हूँ ताकि जो है ये खाद बन जाती है, डस्टबिन में वेस्ट नहीं जाती है। तो बस अभी जो है मैं यहाँ पे मैंने थोड़े से तेल में डाल दिया है जीरा और फली गोभी मैंने कढ़ाई में डाल दिया है और इसको नॉर्मल ही दोस्तों बनाऊंगी जैसे मैंने अभी थोड़े दिन पहले बनाई थी ना, तो वो बहुत टेस्टी लगी थी हस्बैंड को भी और मुझे भी। तो बस इसमें इसको ऐसे से नॉर्मल से छोंक के और सारा मसाला मैं इसमें डाल दे रही हूँ और बस इसको थोड़ा सा चला के और इसमें प्लेट ढक दूंगी, इतने ये बन जाएगी। और यहाँ पे तो है भिंडी है, उसको मैंने धो लिया था और अभी कपड़े से पोंछ करके इसके जो ऊपर का और नीचे का हिस्सा है उसको काट दे रही हूँ। और इसके बाद इसमें बीच में दोस्तों मैं इसमें चीरा लगाऊंगी और अब जो है मैं इसका मसाला बना रही हूँ जो इसमें भिंडी में भरनी है। तो इसमें बस वही है, हल्दी मिर्ची धनिया और थोड़ा सा सौंफ और गरम मसाला डाल करके, धनिया थोड़ा ज़्यादा डालना है और अब इसके अंदर मैं भिंडियों में भर दे रही हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे जो है मेरी सारी भिंडियाँ जो हैं रेडी हो गई हैं और यहाँ देखिए सब्जी भी अच्छे से बन गई है और अब मैं इसको उतार करके रख दूंगी साइड में और यहाँ पे बना लेती हूँ अब मैं भिंडी। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा तेल डाला है और ये भरवा जो भिंडियाँ थी उनमें मैंने डाल दिया है तेल में और अब जो है ये जो मसाला था थोड़ा सा वो भी डाल दिया है और इसमें मैं जो है ढक्कन लगा दूंगी और अब बना लेते हैं यहाँ पे रोटियाँ। तो दोस्तों वो आटा दाल वाला दाल डाल करके जो आटा गूंथा था वो ही मैंने उससे रोटियां बनाई हैं और अभी थोड़ा सा ऑयल लगा करके मैं वो पराठे के जैसे बना दे रही हूँ। तो ये जो रोटी है ना ये भी बहुत टेस्टी लगती है दोस्तों, मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है। जो भी सब्जी बचती है ना मैं ऐसे ही करती हूँ, इसमें डाल देती हूँ आटे में गूंथ लेती हूँ और वो मतलब इस तरीके से पराठे टाइप से बना लेती हूँ। तो देखिए ये हमारी रोटी बन गई है और ये जो हमारी भिंडी है वो भी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। तो चलिए अभी जो है भगवान के भोग के लिए मैं खाना डाल ले रही हूँ। तो भिंडी डाल ली है और थोड़ी सी फली डाल लेती हूँ और खीरे भी दोस्तों मैंने काट लिए थे पहले ही और दही जो है वो भी जमा दिया था रात को तो वो भी अभी डाल ले रही हूँ। तो अभी चलते हैं भगवान के भोग के लिए। तो भगवान जी के भोग लगा दिया था दोस्तों मैंने और अब आ गई है मेरी खाने की बारी, क्योंकि मेरा होता है कि खाना बनते ही मुझे खाना खाना होता है। अगर मैं थोड़ी भी लेट करती हूँ ना तो मुझे फिर भूख नहीं लगती है। तो खाना वगैरह हो गया है मेरा और यहाँ पे अब मैं कर दे रही हूँ गैस को साफ, तो क्योंकि आटा वगैरह होता है ना दोस्तों यहाँ पे तो चींटियाँ आ जाती है बहुत जल्दी से। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा सारा काम हो गया है और मिलेंगे हम नेक्स्ट व्लॉग में। आपको मेरा ये व्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, बाय।